गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों संग की बैठक। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत निर्वाचन संबंधी विविध कार्यों को समयबद्ध एवं सुचारू ढंग से संपन्न कराने हेतु एवं निर्वाचन के सकुशल संचालन तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्टरेट सभागार में प्रभारी अपर प्रभारी अधिकारियों एवं चुनाव से संबंधित अधिकारियों की उपस्थित में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों तथा उनके कार्यों एवं दायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी ली, जिसमें प्रेक्षक व्यवस्था, पोलिंग पर्सनल वेलफेयर व्यवस्था, शांति व्यवस्था, आचार संहिता अनुपालन, क्रिटिकल वर्नेबल बूथों की संख्या, कार्मिकों की नियुक्ति, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण व्यवस्था, मतदान मतगणना, कार्मिक माइक्रो ऑब्जर्वर व्यवस्था, AMF सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा, निर्वाचन प्रबंध, टैंड व्यवस्था, नामांकन पूर्वाभ्यास, पार्टी डिस्पैच एवं रिसेप्शन तथा मतगणना व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, VST वीडियो सर्वेलेंस टीम, VVT वीडियो व्यूइंग टीम, LMT लिकर मॉनिटरिंग टीम, उड़नदस्ता क्लाइंट स्क्वाड, SST स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, एट अकाउंट्स टीम आदि मॉनिटरिंग टीम के गठन एवं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण, कॉल सेंटर, कंट्रोल, डाक मतपत्री, DC इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व्यवस्था एवं प्रशिक्षण, EVM मतपत्र व्यवस्था, वीडियो डिजिटल वेबकास्टिंग, स्टिल कैमरा, CC कैमरा की व्यवस्था, निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन लेखन सामग्री, प्रपत्र व्यवस्था, प्रेस व मीडिया से संबंधित व्यवस्था, खान पान व्यवस्था, सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता, स्वीप, मतदाता साक्षरता क्लब, ELC दिव्यांग मतदाताओं से संबंधित व्यवस्था, जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना, TEMP ऑफलाइन ऑनलाइन रूट चार्ट, सेक्टर जोन संबंधी कार्य, कम्युनिकेशन प्लान संबंधी कार्य, निर्वाचन से संबंधित समस्त स्थानीय डाक वितरण व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, विद्युत एवं प्रकाश, दूरभाष, IT सूचना प्राप्ति एवं प्रेषण, MCMC कंट्रोल रूम, मीडिया सेल एवं चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य चुनाव से संबंधित कार्यों की क्रमवार समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि आदर्श आचार संहिता लगने के उपरांत कार्य की गुणवत्ता एवं निष्पक्षता पूरी अपेक्षित होगी, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। सहायक परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि छोटे गाड़ियों एवं बसों के साथ भारी वाहनों की व्यवस्था समय से पहले सुनिश्चित कर लिया जाए। जितने भी बूथ बनाए गए हैं, उसके आने जाने वाले रास्ते एवं कमरों की रंगाई पोताई के साथ दरवाजे की मरम्मत अवश्य करा ली जाए। उन्होंने बताया कि लगभग 2,936 बूथ निर्धारित किए गए हैं एवं 1,622 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। इन स्थानों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि दिव्यांगजन हेतु 1,630 व्हीलचेयर की व्यवस्था एवं दवाओं की किट की व्यवस्था प्रचुर मात्रा में कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया कि चुनाव प्रारंभ होने से पहले समस्त आय व्यय एवं सामग्री की टेंडरिंग कर लिया जाए। छोटे बड़े कार्यों की सूची बनाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इसमें प्रतिदिन की कोई भी कार्य छूटा तो नहीं है कि चार्ट बना लिया जाए। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन एवं उनके प्रोफॉर्मों की गहन समीक्षा पहले से कर ली जाए। उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी वी रा को टेंडर कार्य एवं अधूरे कार्य को एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया। मॉडल बूथ एवं सेल्फी बूथ चिन्हित कर पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिनको चुनाव संबंधित कार्य दिए गए हैं उनको समय से पूर्ण कर ले। आदर्श आचार संहिता लगने के उपरांत टीम गठित कर पूरी सामग्री की व्यवस्था कर ली जाए। समस्त पेट्रोल पंप एवं चौहारों पर लगे बैनर व पोस्टर हटाया जा सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला विज्ञान अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं चुनाव से संबंधित अधिकारी के साथ निर्वाचन कार्यालय से समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। आपके सहायक इतने अव्वल हो तो पहला इसमें लेते हैं ये MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, शांति व्यवस्था, क्रिटिकल वर्नरेबल इत्यादि।
इसके प्रभारी हैं नीलेश कुमार, आपको डिप्टी हो गई वीडियो साहब, आपको सभी चीज देखनी है, लेकिन इसके एमसीसी के लिए आप एडीएम ही रहते हैं मॉडल, और इसके अनुपालन कराने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुपालन कराने के लिए, और इसमें मैंने लिखा नहीं है वो भी समाहित है जो परमिशन लेंगे कैंडिडेट्स अपने सभाओं के लिए, वो सब भी इसमें समाहित रहेगा। इसके नोडल आप हैं और आपके साथ शालिनी नाम को लगाया गया प्रभारी है, अपर प्रभारी में समझ इसमें मैंने क्या मीटिंग अभी परसों नोट किया था, उस समय तक थी एस एस सी की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में मैंने ले लिया था क्या करना था उन्होंने, बाकी बारह को मैं तैयारी कर रहा हूँ उसको भी क्या क्या में लगते हैं लगभग दाने के लिए उसका, और वीडियो एस सी एम और ई ओ को मिला कर हम तैयार रहेंगे, जिस दिन हमारी लगेगी फिर पाँच बजे के बाद से करना होगा उसको सब समय करा रहे, क्योंकि कराने का तत्काल सूचना टीम्स हैं उसको अभी से तैयार कर लेना, क्योंकि अब तो आज 9 तारीख होगी, 13-14 में अनाउंस हो ही जाएगा, तो ग्रामीण एरिया में कौन कौन इसका उत्तरदायी है, कौन कौन जाके हटवाएगा, और अर्बन एरिया में टीम्स बना लीजिए और उनको ब्रीफ कर दीजिए कि करना क्या है, क्या क्या उपकरण लेके जाएंगे, पेंट होना चाहिए उनके पास, वो सारी चीज़ें हटाने के लिए जो उनके पास होता है वो लगा बोलते हैं उसमें लगी गाँव बोलते हैं और उसमें रिपोर्टिंग कब कब होती है क्या होती है, जो इमीडिएटली आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन जो रिपोर्ट जाएगी एमसीसी के अनुपालन की, उसकी रिपोर्टिंग कब होगी, उसी दिन शाम को मानते हैं वो कितने कितने हटाए गए, उसमें 24 ये आपको पता होना चाहिए, तो अभी सब पढ़ लीजिए, और इसमें सूचना प्रेषण के लिए